ये आउटसाइड रहते कहाँ से क्या क्या आउटसाइडर सर आउटसाइडर सर आउटसाइडर सर आउटसाइडर अपने अपने महाविद्यालय के कुछ डिमांडों के लिए प्रधानाचार्य को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन लगता है हमारी प्रशासन और हमारे प्रधानाचार्य के कान तक कोई जू तक नहीं है। वरिष्ठ प्रशासन हम गेट बंद भी करेंगे, शिक्षा का बहिष्कार भी करेंगे। ऐसी शिक्षा कहाँ पानी जो हमारे सुविधा नहीं है। बच्चा 10-10 हजार दे के 5-5 हजार दे के अपनी फीस पूरी दे रहा है। फीस में कमी हो तो माने, फीस में भी कमी नहीं है, फीस भी पूरी लेते हैं। ना फीस में कमी ना किसी चीज में कमी, तो क्यों कॉलेज में सुविधा फिटनेस सेंटर जब हमारे लिए बनाया गया है तो बंद क्यों किया गया है ना? खुला की फिटनेस सेंटर की हम झूठ बोल रहे बता दो, खुला नहीं ना? डिमांड आप चार्टर उनका चार्टर का है। अरे मैं मेरे को नहीं पता, जब मेरे सामने बात आई मैं सबसे चार्टर मांगता हूँ, तो मेरे को कॉल किया है तो मैं चार्टर मांगता हूँ। आउटसाइडर सर आउटसाइडर सर आउटसाइडर सर आउटसाइडर आउटसाइडर बाहर से आया गुंडा कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक है, बात क्या है तुम्हारा नाम? क्या नाम? परेश बुलाओ, FIR करवाओ इनके खिलाफ। नाम क्या है तुम्हारा? क्या नाम है?
थाने फोन करो, थाने फोन करो, राहुल चलो कैसे बात करना है सर, मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है सर, मैं बात कर रहा हूँ, जो करवाई बाहर बाहर खड़ा रहता हूँ के डिग्री कॉलेज में मौजूद है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जमकर यहां पर बहस जो है वो दो गुटों के बीच हो रही है, और ये छात्र संगठन जो है ये एबीवीपी और एसएफआई है, जो कि दोनों आपस में पहले नारेबाजी से ये शुरुआत हुई और उसके बाद जमकर एक दूसरे जो दोनों छात्र संगठन है उनके बीच नारेबाजी हुई, और उसके बाद थोड़ी देर बाद जैसे अभी आपने देखा कि जो कुछ आउटसाइडर स्टूडेंट है वो यहाँ पर कॉलेज में पहुँचे, और कॉलेज में पहुँचने के बाद उन्होंने मामले को और भी ज़्यादा संगीन करने के लिए कुछ हरकतें करनी शुरू की, और उसके बाद जैसे कि अब देखा गया कि पुलिस द्वारा उन्हें ये चेतावनी दी जा रही है कि अब तुम्हारे खिलाफ FIR भी होगी। अब देखना यही होगा कि किस प्रकार से इन्हें इस बारे में सचेत किया जाता है, और जिस प्रकार से अभी पुलिस भी है वो अभी यहाँ पर मौजूद है और पुलिस मौके पर पहुंचकर अभी मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रही है। हालांकि जो दोनों ही छात्र संगठन है वो अभी अपनी बात रखने में बिल्कुल आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि जो एबीवीपी छात्र संगठन है वो काफी सैल रूप यहां पर अपना दिखा रहा है, और जो मामला है वो अब गर्माता जा रहा है। और जिस प्रकार से आपने अभी तस्वीरों में थोड़ी ही देर पहले देखा कि एक युवा को जो है इस व्हाइट कलर की कार पर बोनट पर लिटा कर जो है जमकर मारा गया, और थोड़ी ही देर बाद देखा गया कि उसके नाक से खून बहने लगा। अभी अभिभावक और माफ करिएगा, अभी छात्र और जो अध्यापक हैं और जो पुलिस प्रशासन है वो जो अध्यापक और जो पुलिस प्रशासन है वो अभी पूरी कोशिश कर रहा है इस पूरे मामले को शांत करवाने की, लेकिन जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, और जो छात्र हैं वो यह कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे, और उनका अभी भी यही कहना है कि जो थोड़ी देर पहले जो हमें यहाँ पर सुनने को मिला तो उसमें उन्होंने कहा कि जो SFI के छात्र थे उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ कॉलेज में धरना प्रदर्शन और नारे लगाएंगे, हम साथ ही साथ जो विधानसभा है और जो उपायुक्त कार्यालय है वहाँ पर भी घेराव करेंगे, और हम अपनी मांगों को हर जगह पहुँचाएंगे। यह जो है वो SFI के छात्र का कहना है, और मामला अब शांत होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अभी भी जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और छात्रों का गुस्सा अभी भी ठंडा होता नजर नहीं आ रहा है। अभी जमकर यहाँ पर जो टीचर हैं वो स्टूडेंट्स को लताड़ भी लगा रहे हैं कि नहीं इस पूरे मामले को यहीं पर शांत करने की कोशिश करें, लेकिन जो पूरा मामला है वो आप सभी के सामने यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। हमने तो लिख के भेजा हुआ ऊपर को, हमारे को कंप्यूटर लैब चाहिए, हम 5 साल से लिख रहे हैं बच्चों, ऊपर से कुछ नहीं आ रहा है। अब उस दिन सब बैठे हुए यहाँ पे, यहाँ एजुकेशन मिनिस्टर, मैंने ऊपर बोला था, मैं कहा सर हमारा जो है कमर्शियल लॉ नहीं बनना है इसके लिए, उन्होंने फोन किया, उसी वक्त फोन किया उन्होंने, कहते ये है हमारे पास पैसे, अब बोलो उनको तो बोलते पैसे नहीं है। तो ये चीजें हमारा अब ना हमारे हाथ में, हम भी बात उठाते हैं, ऐसा नहीं कि
भी तुम ही उठाते हैं, हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे बात उठाते हैं, पर जो सिस्टम है आपको भी पता है, हम अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं। नहीं बेटा, लड़ना ऐसा नहीं, लड़ना कर रहे हो, बहुत कर रहे सर कॉलेज में, नो डाउट सर, नहीं लड़ने का, लड़ने का, लड़ने का ये देखा नहीं सर। अब दूसरे आपने जो स्टेटमेंट लिखी है मुझे नहीं पता क्या लिखा, पर जो ऑब्जेक्शन पर था वो आपको उसी वक्त हटा देना चाहिए, वो जला तब जो आपने रखा होगा, मैं तो था नहीं बेटा। नहीं मैंने तीन ही दिया, एक एक सर, एक ही नहीं सर, उस टाइम जब पहले मैंने बताया था ना अंदर एक एक वो लगेगा, आपने उसके बाद डिसाइड हुआ कोई कितना भी मैंने एक ही तो नहीं हुआ सर, एक ही और एक ही रहेगा, और आपने बोला था और बोला था मैं छेड़ा का नहीं करेगा, भी क्या अब ऐसा है मेरी बात, अब हमने कहा सर के 3 बजे के बाद ना आपने अपने 3 बजे तक चन्ना मला हुई है जो हमारे को दो रहेगा, 3 बजे तक होगा तो हम देंगे, बस हो गया फैसला। गोपाल में बिच्छू आपके बंद करें, तू थोड़ी देर बैठ के बंद कर दे, इस बीच जो पुलिस है वो मामले को शांत करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो मामला है वो अभी भी गर्माता जा रहा है। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, लेकिन फिर भी जो मामला है वो कहीं ना कहीं अब कंट्रोल में आ चुका है। अब देखना यही होगा कि जो छात्रों की मांगे हैं वो कितनी पूरी होती हैं और कितना जो ये डिस्प्यूट है ये शांत होने का नाम लेता है। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सोलन टुडे। जय।